भैया ये हेयर स्पा का नतीजा है, 3 दिन हो चुके हैं, बाल अभी भी उतने ही कमाल के दिख रहे हैं, सो हेयर स्पा तो करिए। हमारी दादी नानी के टाइम पर ना तो फेस वॉश होता था, ना बॉडी वॉश होता था, ना शैम्पू, ना कंडीशनर, ना सीरम, ना ये ना वो, ना कुछ नहीं। एक टिकिया होती थी, उसी से बाल धुलते थे, उसी से बॉडी धुलती थी, उसी से फेस धुलता था, एंड दे वर सो डैम गॉर्जियस, है कि नहीं। लेकिन जमाना बदल रहा है, बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल रही हैं, इस वजह से वी हैव अडेप्टेड टू दीज थिंग्स। हमें फेस वॉश भी चाहिए, हमें बॉडी वॉश भी चाहिए, हमें शैम्पू भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। सो फाइन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा डू इट योर सेल्फ, यानी कि खुद प्रिपेयर कीजिए बॉडी वॉश एट योर होम, ये डिस्कस कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द थिंग दैट आई एम शेयरिंग। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत 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 पॉजिटिव हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो काफी देर हो चुकी है, यू मस्ट गो एंड टेक अ टूर ऑफ माई चैनल। आपको समझ में आएगा हमारा परिवार कितना खूबसूरत है और कितना अमेजिंगली बेनिफिट ले रहा है आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। मैं बहुत ही सिंपल डू इट योर सेल्फ रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मेरे परिवार को बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहा है। सो यू वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड बिलीव मी, वी वुड लव टू हैव यू एज वेल। इसीलिए उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मेरा पूरा परिवार यहाँ पर होता है। विश्वास ना हो तो नीचे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन सा बॉडी वॉश प्रिपेयर कर रही हूँ। बिलीव मी इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसा बॉडी वॉश ना तो आपने इस्तेमाल किया होगा, ना आपने इसके बारे में सुना होगा, एंड यूजेज तो ऑब्वियसली जब नहीं बनाया तो यूज कैसे किया होगा। लेकिन अब आप इसको प्रिपेयर भी करेंगे, यूज भी करेंगे और इसके गजब के रिजल्ट्स अपने लिए एक्सपीरियंस भी करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक DIY फेस वॉश शेयर किया था, आप जाकर इसका कमेंट सेक्शन चेक कीजिए एंड यू आर गोइंग टू बी बैफल्ड। जी हाँ, बैफल्ड हो जाएंगे कि 100% लोग जिन्होंने ट्राई किया है दे आर एब्सोल्यूटली हैप्पी अबाउट इट। मतलब जिसने ट्राई किया है वो फैन हो चुका है, कंटिन्यूसली इसको यूज कर रहा है, पेरेंट्स इसको अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें खुद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 60 आर मेकिंग द फुल यूज ऑफ दिस फेस वॉश। तो अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्रिपेयर इट फॉर योरसेल्फ एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ द अमेजिंग थिंग्स जो हमने वहां पर इस्तेमाल की है। आज जो बॉडी वॉश पाउडर मैं आप लोगों के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि वो DIY फेस वॉश पाउडर से ज्यादा बेटर है तो कंप्लीटली गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत पावरफुल है। आप लोगों को इस बॉडी वॉश को प्रिपेयर करने के लिए 9 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। डोंट वरी, कुछ घर पर ही है, कुछ ऑर्डर करनी पड़ेगी। 9 की 9 चीजों का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, डू चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ एंड बिलीव मी, एज कम्पेयर टू द बॉडी वॉशेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि इतने कॉस्टली है, फुल ऑफ केमिकल्स हैं, हम उन्हें यूज करते हैं सालों साल और फिर पता चलता है कि अरे इसके अंदर तो कैंसर कॉजिंग एजेंट था एंड सो मेनी अदर थिंग्स। इट हैपन टू मी वेन आई वॉज इन कॉलेज एंड दैट्स द पॉइंट जहां पर मुझे लगा कि यू नो किस पर विश्वास किया जाए। इसीलिए मैं DIYs की तरफ थोड़ा सा और झुकने लगी एंड हियर आई एम टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विद सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माइन। टू स्टार्ट, आपको एक बड़ा सा बोल लेना है जिसमें हम सारी की सारी चीजें मिक्स एंड मैच करेंगे। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है 2 बड़े चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। सबसे पहली बात तो ये चम्मच नहीं है, ये बड़ा सा सर्विंग स्पून मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ। आप कम बना रहे हैं तो आप टेबल स्पून में काम कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नाउ तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिए हैं ऑरेंज पील पाउडर। देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में जाकर आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने विस्तार में बताया है कि आप घर पर ऑरेंज पील पाउडर साल भर के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ। मैंने घर पर बनाया हुआ है, मैं आपको कई सारी रेमेडीज में दिखा चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर होम मेड ऑरेंज पील पाउडर जो मेरे पास है उसके 2 बड़े चम्मच यहाँ पर ले रही हूँ। अगर आप घर पर बनाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो भैया हम तो बहुत ही एडवांस एरा में रह रहे हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑरेंज पील पाउडर के बारे में आई नीड नॉट टेल यू, इट इज अ भंडार ऑफ विटामिन सी जो आपके स्किन पर साइंस ऑफ एजिंग को डिले करता है, आपके स्किन पर कोलाजन का जो बिल्डअप होता है उसको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही इलास्टिक रहती है, या आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसमें बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड वॉट नॉट। ऑरेंज पील पाउडर इज गोइंग टू बी द बेस ओवर हियर एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द मोस्ट खुरदरा प्रोडक्ट ओवर हियर।
यानी कि अब हम जितनी भी चीजें ऐड करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी फाइन डस्ट, लेकिन ऑरेंज पील पाउडर थोड़ा सा यू नो रफ है. आप यहाँ पर राइस फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, बहुत ज़्यादा यू नो चुभता है, तो अगर आप थोड़ा स्टिफ चाहते हैं आप वो यूज़ कर लीजिए. अदरवाइज यहाँ पर मैं ऑरेंज पील पाउडर यूज़ कर रही हूँ. जब हम इसको यूज करेंगे ना, आई टेल यू दैट एट्रीब्यूट लेटर ऑन. सेकेंड इंग्रेडिएंट जो आपको इस्तेमाल करना है वो है 1 बड़ा चम्मच ऑफ बेसन. जी हाँ, ग्राम फ्लावर. एंड बिलीव मी, बेसन के बारे में आई नीड नॉट टेल यू एनीथिंग. एक स्पेसिफिक वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जहाँ पे मैंने विस्तार में बेसन के बारे में आपसे बात की है कि वो कितना अमेजिंग है. कोई उबटन आपका पूरा नहीं होता बेसन के बिना. आप बेसन जो होता है वो आपकी स्किन का जो इलास्टिसिटी है उसको ऐसे फिक्स कर सकता है. ओपन पोर्स, बेसन. ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बेसन. किसी भी तरह की एलमेंट आपकी स्किन पर है, बेसन इज द सोल्यूशन. और ज़्यादा विस्तार में सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर डेफिनेटली चेकआउट कीजिए. आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाएगा फॉर बेसन. थर्ड इंग्रेडिएंट इज 1 बड़ा चम्मच ऑफ मुल्तानी मिट्टी. इसके बारे में भी मुझे आपको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस पर भी स्पेसिफिक वीडियो मैं कर चुकी हूँ. मुल्तानी मिट्टी इज अ सकर फॉर ऑल द डर्ट. आपकी स्किन पर कितना भी डर्ट हो, आपको ब्लैक हेड्स का अगर परेशानी है, कुछ समय के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करके देख लीजिए. सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से नहाइए और आके हमें मैजिक बताइए क्या हुआ. मुल्तानी मिट्टी कैन क्योर एनी सॉर्ट ऑफ क्लेंजिंग, मे बी वाटर और योर बॉडी. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पुराने जमाने में जब ये क्लोरीन से पानी साफ करने वाला टेक्निक नहीं था तब मुल्तानी मिट्टी पानी में डाली जाती थी. जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी सारा का सारा यू नो अगड़म छगड़म गर्म चीज गलत चीजें लेके और सेडिमेंट हो जाती थी, नीचे बैठ जाती थी तो पानी साफ हो जाता था. तो मुल्तानी मिट्टी जब पानी जैसी इतनी यू नो शीतल चीज पर इतना गजब का काम कर सकता है तो आपकी बॉडी इज नथिंग अगेन. नंबर 4, 1 बड़ा चम्मच ऑफ नीम लीव्स पाउडर. देखिए, अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो उसकी पत्तियां लेकर आइए, धोइए, सुखाइए और पीस के पाउडर बना लीजिए. लेकिन हम इतना तामझाम नहीं कर सकते तो बस फिर क्या है, ऑर्डर कर लीजिए, नीचे लिंक है. नीम लीव्स पाउडर इज समथिंग, शुड आई टेल यू अबाउट इट, मतलब मुझे नहीं लगता मुझे बोलना पड़ेगा. एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल. स्किन पर किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाइए, आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए. इनफैक्ट एलोपैथिक डॉक्टर भी आपको इनिशियली ये सजेस्ट करता है कि आप नहाने के पानी में नीम की पत्तियां डाल लीजिए और आपके स्किन की एलिमेंट फिक्स हो जाएगी. इनफैक्ट आपके स्किन पर किसी भी तरह के सिवियर क्रॉनिक डिजीजेस लाइक सोराइसिस, एक्जिमा एंड यू नो कितना भी सिवियर एलिमेंट क्यों ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट इज यू नो उसको क्लीन करना बाय नीम. नीम की ही दवाइयां दी जाती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्यों ना इसको अपने बॉडी वॉश में इम्बाइब कर दिया जाए ताकि ऐसी परेशानियां हमें होंगी ही नहीं. अभी तक के इंग्रेडिएंट्स देखकर समझ में आ चुका होगा कि कितना पावरफुल बॉडी वॉश बनने वाला है कि नहीं. तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके एंड दिस वीडियो गेट्स अ ब्यूटीफुल पुश. नंबर 5, 1 बड़ा चम्मच ऑफ रोज पेटल्स पाउडर. डू आई नीड टू से एनीथिंग अबाउट रोज पेटल्स? रोज की पंखुड़ियां आपके स्किन के लिए वो वरदान है दैट आई रियली कैन नॉट टेल यू. रोज के अंदर ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो आपके स्किन के मॉइस्चर को यू नो एकदम पकड़ के रखता है, कहीं जाने नहीं देता. और रोज पेटल्स के अंदर होता है विटामिन सी जो कि आपके कोलेजन को बिल्ड करता है, आपकी स्किन को बहुत ही इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन पे वो पिंकिश एंड शाइनी ग्लो प्रोवाइड करता है जो कि आप हमेशा से चाहते हैं. माय मदर शी इज अ कंप्लीट डिवोटी, तो वो रोज एक गुलाब का फूल तोड़ती है, भगवान जी को चढ़ाती है और जब वो सूख जाता है तो उसकी पेटल्स निकाल के रख लेती है एंड शी सेंट इट टू मी. तो दिस इज द लव दैट शी हैज सेंट मी एंड बिलीव मी इट्स एब्सोल्युटली डूएबल. आप भी इसको कर सकते हैं. नंबर 6, 1 बड़ा चम्मच ऑफ सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन. देखिए, यहाँ पर आप चंदन आधा चम्मच भी डाल सकते हैं बट आई लव द खुशबू ऑफ चंदन पाउडर, इसीलिए मैं एक बड़ा चम्मच डालती हूँ ताकि जो बॉडी वॉश प्रिपेयर हो उसमें डोमिनेंट खुशबू रहती है रोज पेटल्स की और चंदन की. एंड बिलीव मी, आप सारे के सारे बॉडी वॉशेस भूल जाओगे, वो कितना ही फ्रेग्रेंस डाल लें दे कैन नॉट बीट योर बॉडी वॉश जो आप प्रिपेयर कर रहे हो. चंदन और सैंडलवुड पाउडर, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, इसीलिए जैसे ही आप इसका एप्लीकेशन करते हैं आपको पता चल जाता है, यू फील द रिफ्रेशमेंट, यू फील द कूलिंग सेंसेशन, यानी कि आपकी स्किन पर काम कर रहा है. दैट मीन्स एवरी टाइम यू आर गोइंग टू टेक अ बाथ आपको इतना रिफ्रेशन फील होगा
चंदन कैन क्योर एनी पॉसिबल एलमेंट ऑन द स्किन. आपकी स्किन पर कोई भी परेशानी है या होने वाली है, चंदन उसको कंप्लीटली फिक्स कर सकता है एंड यू ऑब्वियसली आर गोइंग टू बी हैप्पी. नंबर 7, आधा बड़ा चम्मच ऑफ वाइल्ड टर्मरिक, जिसको हम कस्तूरी हल्दी भी कहते हैं. कस्तूरी हल्दी खाने में काफी कड़वी होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्किन के लिए किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन के लिए किया जाता है. एंड बिलीव मी, सारी की सारी स्किन रेमेडीज एक तरफ और कस्तूरी हल्दी एक तरफ, ये अपने आप में एक कंप्लीट रेमेडी है आपकी स्किन के लिए. ये आपकी स्किन पर मौजूद किसी भी तरह की परेशानी को, या वो हो रखी है या होने वाली है, कोई भी चीज हो, उसमें हेल्प करती है. कस्तूरी हेल्दी इज अ डॉक्टर फॉर योर स्किन, क्योर एनीथिंग. ये आपकी स्किन को लाइटन करती है, ब्राइटन करती है. अगर आपकी स्किन बहुत ही अनइवन सी हो रखी है, ब्लेमिशेस मार्क है, कोई भी परेशानी है, मैंने कहा ना डॉक्टर है, इट कैन क्योर इट लाइक बहुत आसानी से. नंबर 8 इज अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक हल्दी. यहां पर जो मैं हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हमारे घर पर उगी हुई हल्दी है, जो कि काफी कमाल की होती है एंड ऑल्सो काफी स्टेन कर सकती है, इसीलिए बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है. ये हल्दी यहाँ पर इस पूरे के पूरे मिक्सचर को प्रोटेक्ट भी करेगी, क्योंकि वैसे तो सारे के सारे पाउडर्स हैं, बट क्योंकि ऑर्गेनिक है इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा ना लगे या कोई परेशानी ना हो, हम इसको लंबे अरसे के लिए सिक्योर कर सके, इसीलिए हम यहाँ पर पिंच ऑफ हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं. नाउ ऑल द 8 पाउडर्स जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, एक एक के बारे में, एक एक की पोटेंसी आपको पता चल चुकी है. अब जो 9th इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, वो आपके बॉडी वॉश को एक स्लिपरी कंसिस्टेंसी देगा, लेकिन ये भी पाउडर है. यहाँ पर आप ऐड करेंगे सोप नट्स पाउडर, यानी कि 9th इंग्रेडिएंट हमारा है 1 बड़ा चम्मच ऑफ रीठा पाउडर. देखिए, रीठा पाउडर अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ शैम्पू बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कि रीठा का इस्तेमाल एक स्लिपरी चीज बनाने के लिए हो रहा है. एज सिंपल एज दैट, रीठा सोप नट्स कहलाता है, सोप, राइट, नेचुरल सोप है ये. तो रीठा पाउडर जब आप इसमें डाल लेते हैं, तो आप इसको वो स्लिपरीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि नहाते हुए बहुत सारे लोगों को मैंडेटरी होती है कि भाई हमें तो जब तक फिसले ना हाथ, तो लगता नहीं है कि नहाए हैं. तो सोप नट्स का ये पाउडर, यानी कि रीठा पाउडर, एग्जैक्टली यही काम करने वाला है. इन सभी पाउडर्स को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल प्रॉपरली एकसार हो जाए. उसके बाद आप इसको किसी प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए. आप चाहें तो ग्लास कंटेनर में भी रख सकते हैं, बट आई एम रियली क्लम्जी, स्पेशली बाथरूम में हम इसको रखने वाले हैं, तो बिल्कुल ही, मैं तो ग्लास जार पक्का चकनाचूर हो सकता है, इसीलिए मैंने प्लास्टिक कंटेनर में रखा है. एंड इसके बाद आप इसको अपने बाथरूम में स्टोर कर दीजिए, जहां भी आप अपना सामान रखते हैं नहाने का. कमिंग टू द यूजेज, अब यूज कैसे किया जाए, देखिए, जैसे ही आपको नहाना हो, आप अपनी बॉडी को वेट कर लीजिए, शावर ले लीजिए, व्हाटएवर, और इसके अंदर जो वुडन स्पून आपने रखा है, इसको एक चम्मच अपने हाथ में ले लीजिए, डब्बे को अच्छे से बंद कर दीजिए ताकि उसमें मॉइस्चर ना जाए, और उसके बाद इसको गीला करके एकदम, यू नो, पेस्ट एकदम वैसा हो जाएगा, पेस्ट लाइक हो जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट, यू नो, स्क्रबिंग योर बॉडी. अब जो आपने ऑरेंज पील पाउडर का यहाँ इस्तेमाल किया था, वो इतना माइन्यूट और खूबसूरत स्क्रब का काम करेगा दैट यू वुड नॉट रिक्वायर एनी लूफा. सिर्फ हाथों से ही आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर देंगे, और वो जो, यू नो, एक ग्लॉसियर स्किन है, वो आपके सामने आ जाएगी, प्रोवाइडेड आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें. रेगुलर का मतलब क्या हम इसको रोज नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे. यहाँ पर रेगुलर का इस्तेमाल रोज है. आप रोज नहाइए और इसी बॉडी वॉश का इस्तेमाल कीजिए. जिस दिन आप लोगों के पास ज्यादा वक्त है, आप इत्मीनान से नहा रहे हैं, आप एक बोल में ये आपका जो बॉडी वॉश आपने प्रिपेयर किया है वो ले लीजिए, 1 से 2 चम्मच जितना आपको चाहिए, और इसमें आप गुलाब जल या ग्लिसरीन, जिस भी चीज के लिए आप कंफर्टेबल हैं, उसको मिला के अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिए, और इस पेस्ट से आप अपने आप को अच्छे से, यू नो, वॉश कीजिए अपनी पूरी बॉडी को, एंड मेक दम फुल यूज ऑफ दिस अमेजिंग बॉडी वॉश पाउडर जो आपने प्रिपेयर किया है. सो क्विक Q&A फॉर दिस बॉडी वॉश, जिसको मैं कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ एंड आई एम इन लव विद इट ऑलरेडी. सबसे पहले तो क्या हम इस बॉडी वॉश को अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इस बॉडी वॉश में हमने 9 इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया है, 10वां मैंने आप लोगों को एज एन ऑप्शन दे दिया है, एंड दिस कुड बी वेरी मच फॉर योर स्किन. हमारी फेशियल स्किन काफी सेंसिटिव होती है, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जो हमने DIY फेस वॉश प्रिपेयर किया था, उसमें काफी सेंसिटिव सी चीजें हैं जो कि सेंसिटिव स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एवरी स्किन टाइप इज लाइक रियली हैप्पी अबाउट इट. तो आई वुड से स्टिक टू द DIY फेस वॉश फॉर योर फेस,
और इसको आप अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल कीजिए। Who all can use it? देखिए, दादी दादू मम्मी पापा बच्चे चाची चाचू everybody can use it। कोई एज बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इट इज बियरिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। व्हाट्स द शेल्फ लाइफ? देखिए, ये सारे के सारे ड्राई पाउडर्स हैं जिसको हमने एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर में रखा है, इसीलिए आप इसको आराम से 2 से 3 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। However, मैं हमेशा आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम DIY रेमेडी स्टोर करने के लिए नहीं बनाते हैं, इसीलिए छोटे बैचेस बनाइए, यूज कीजिए एंड देन मेक इट अगेन। एनी साइड इफेक्ट्स? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने आपसे कहा बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी इसको ट्राई कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कैन आई स्किप सम ऑफ द पाउडर्स ओवर हियर? एब्सोल्युटली। अगर आपको किसी पाउडर से एलर्जी है या यू आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट समथिंग, तो आप उसको एब्सोल्युटली स्किप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। The consistency is going to change a little bit. Main important आपका body wash में है कि वो wash कर दे आपकी body को, वो आपको anyways मिलेगा। Don't be in a hurry. अगर आपके पास सामान नहीं है तो आराम से order कर लीजिए, prepare it for yourself and you know the absolute drill. Try it out for yourself. वापस आके हम सबके साथ share कीजिए कि ये बॉडी वॉश पाउडर आपके लिए कैसा रहा। तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्रीति प्रेरणा का चैनल एक खूबसूरत सी जर्नी पर है ऑफ 1 मिलियन एंड आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट एंड आई वुड लव अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सके और भी लोग इस फैमिली पे जोड़ सके। आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मैजिकल फॉर योर स्किन हेयर एंड हेल्थ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।